ओके जी, ऑफ हो गया और मुझे करनी थी कुछ ग्रोसरी, सो एट द डिपार्टमेंटल स्टोर। करनी तो ग्रोसरी थी बट एज ऑलवेज आई लव क्रोकरी, सो अभी मैं देखूँगी क्रोकरी, उसके बाद देखती हूँ कुछ नहीं हुआ। आई लाइक इट बट आई बिलीव इन वेन एवर यू गेट समथिंग इन गोल रिलेटेड टू क्रोकरी वो ज़्यादा देर नहीं चलता। आई पता नहीं औरतों को क्रोकरी देखने का इतना शौकी होता है। मैंने बस वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है कि किया क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मुझे कुछ कुछ रोज़ा भी लग रहा है। माय गॉड आई लाइक दिस क्यूट नेम। तो वो चक्कर किसन करते हो जी? चक्कर वहाँ किसन करते हो? क्यों नहीं जी, चेक लाने। वाह, क्या रेट चल रहा है तरबूज का? 100 रुपये जी, सस्ता है तरबूज। अच्छा तो मैडम गाली ना पा दे ना गाली मुझे। ओके, मुझे बेसन भी चाहिए था एक्चुअली बट वहाँ पे जो उनकी पैकिंग्स थी वो ज़्यादा क्वान्टिटी थी, सो आई नीड इट लेसर वन। सो अभी मैं एक और सामी स्टोर पे जा रही हूँ, आई होप वहाँ मुझे मिल जाएगा द रिक्वायर्ड वन। जल्दी जल्दी से मैं रोड क्रॉस करके आई हूँ। इट्स अ बिजी रोड, नॉर्मली एवरी टाइम इट्स बिजी, सो आई मे जस्ट डू माई ग्रोसरी एज फास्ट एज आई कैन एंड गो बैक टू माई रूम। मुझे कम क्वांटिटी में मिल गया है जो मुझे रिक्वायर्ड था, सो यहाँ पर मैं क्रोकरी देख लूँ उसके बाद निकलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे शौक है अच्छी अच्छी क्रोकरी कलेक्ट करने का, उसके लिए सर्विस करने का। Let's go back. And one more thing, मैं आपको बताऊँ अभी मुझे एक स्टोरी याद आ गया। लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड दिस स्टोर सो आई बॉट सम ग्रोसरी। अभी चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ, पर मैं आपको अंकल दिखाऊँगी जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो दिस स्टोरी इज़ लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड दिस स्टोर आई फॉरगॉट माई मोबाइल फोन हियर, कैन यू बिलीव दिस। एंड After right after 1 hour I realized that I have lost my mobile phone. Just imagine मेरे साथ क्या बनी होगी। सिर्फ यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए आई मस्ट स्टे हेयर एंड टेल यू द होल स्टोरी। ओके, तो मेरे माइंड में भी नहीं आया कि मैं किसी से मोबाइल फ़ोन लेकर तो किस मोबाइल फ़ोन लूँ और अपने नंबर पर कॉल करूँ टू फाइंड आउट वेयर इट इज़। तो एक नाइस कपल ने मुझे अपना फ़ोन ऑफर किया तो मैंने अपने नंबर पे कॉल की। तो जब मैंने कॉल की तो एक अंकल ने कॉल पिकअप की, मैंने कहा ये मेरा फ़ोन है। तो आपको सोचे मैं इसको कैसे बोला होगा, आई डोंट रियली नो। तो उन्होंने कहा कि जी बेटा आपका ही फ़ोन है। मैंने कहा मैं ये कहाँ भूल गई हूँ? तो उन्होंने स्टोर का नहीं मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ भूल गई हैं। तो मैं भागी भागी आई और मैंने इनसे अपना फ़ोन वापस लिया। ही वॉज़ रियली काइंड, लेट मी शो यू। यहाँ काउंटर पे होते हैं, मैं यहाँ बिल पे करते हुए काउंटर पे रख के तो मैं भूल गई यहाँ पर। एंड आई बॉट दिस स्मॉल टू सेव लेमन जूस,
क्योंकि मैंने लेमन तो ले लिए थे, अब मुझे था कि इतना फ्रीक्वेंट तो मैंने यूज़ नहीं करना तो ये ख़राब हो सकते हैं, तो मैंने लेमन जूस निकाला और मैं इसमें सारा सेव करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जैसे ही आई नीड इट आई विल टेक एन आइस क्यूब एंड ऐड इट टू माय वाटर टू मेक लेमनेड एंड गुड टू गो। तो आप देख रहे थे सारे लेमन में से इतना सा लेमन जूस निकला है और अभी मैं ये रख रही हूँ फ्रीज़र में। उसके बाद ये मेरे फेवरेट देसी दोस्त के मसाले, अभी मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद आई विल मेक चिकन, ये मेरा चिकन स्प्रिंग रोल मैं बना रही हूँ, साइड बाय साइड उसका मटेरियल मैं रेडी कर रही हूँ। ये मैंने सारा कट करके और करेले फ्राई करके तो रख दिए हैं, उसका रोल का मसाला भी डन है, उसकी फिलिंग। एंड नाउ आई एम मेकिंग मसाला फॉर चिकन जो कि मैंने करेले में ऐड करना है। तो अभी मैं ये लहसुन और जिंजर द वे माई मदर डज आई एम मेकिंग इट। और आपको पता है हॉस्टल्स में व्हेन यू आर लिविंग एज अ पेइंग गेस्ट और इन ए हॉस्टल आपके पास ज़्यादा स्टफ़ नहीं होता ग्राइंडर एटसेट्रा, यू हैव जस्ट बेसिक नेसेसिटीज एंड यू नीड टू जस्ट यूज़ देम टू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। सो अभी मैं हाथ से सारा काम कर रही हूँ, चॉपिंग बोर्ड वगैरह भी कुछ नहीं है और मुझे हाथ से काटने में ज़रा प्याज वगैरह कट करने में मुझे इशू होता है क्योंकि मुझे चॉप करने का आदत है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मदर की तरह मसाला रेडी कर दिया है, इसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। वंस इट विल बी फ्राइड तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, उसके बाद चिकन आई विल ऐड चिकन, ऐड करूँ इसके अंदर देसी टोस का करियंडर पाउडर, उसके बाद जीरा मैं ऐड करूँगी। और ये देख रही हूँ मैं एडवर्टीजमेंट करते हुए, सो इट्स अ रूमा यू विल जस्ट लव इट। ठीक है मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फ्लेम को ज़रा ऊंचा किया है मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया टमाटर एज अ टोस्ट बिफोर। सो बेसिक सब प्रोसीजर है, माई मदर्स मेक थिंग्स लाइक दैट सो आई फॉलो दिस रेसिपीज। तो अब मैं टमाटर को ज़रा मैश करते हुए और ये अगेन एडवर्टीजमेंट करते हुए एनीवेज आई विल ऐड बेसिक स्पाइसेस इनटू माय सालन जो मैं रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला गल जाए और फ्लेम को थोड़ा सा नॉर्मल कर रही हूँ मैं जो कि हो नहीं रहा। ओके ऑल डन, उसके बाद इसके थोड़ा कुक हो जाए तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। हियर यू गो, चिकन को मैं थोड़ा फ्लेम ऊंचा करके तो फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद साइड पे मैंने ना चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ है तो जो मैं चिकन स्प्रिंग रोल्स में ऐड करूँगी। और ये मैंने चिकन में करेले ऐड कर दिया, बाकी का जो कि मैंने हाफ कुक किया और बाकी मैंने साइड पे कट के तो मुझे करेलों के लिए जो रिक्वायर्ड था मैंने उसमें ऐड कर लिया और ये मेरे चिकन करेला रेडी हो गया। बाकी का जो चिकन था मैंने फ्रीज़र में रख दिया, आई विल यूज़ इट सम अदर डे। अभी मैं दही बड़ों का जो बड़े हैं उसका मटेरियल तैयार कर रही हूँ, ये आलू साथ पे बॉयल हो रहे हैं तो मैं इनको डन करके तो रख दूँगी। मेरे कुछ दो तीन दिन में उसको एयरटाइट जार्स में पैक करके रख दूँगी बिकॉज जॉब के साथ यू डोंट हैव मच टाइम। फुल्कियाँ भी मैंने मेरी रेडी होने वाली हैं ऑलमोस्ट कुछ नाम चेक, ये अभी थोड़ा सख्त है इट विल टेक सम टाइम। और अभी मैं चटनी तैयार कर रही हूँ उसकी, मैंने पुदीना और धनिया वगैरह ये मटीरियल सब्ज मिर्चें पीस के ग्राइंड करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं दही में ऐड करके तो उसका बना चटनी बना लेती हूँ। और ये मेरी छुरी उसमें फंस गई निकले ना मिशो यू ही निकल दिया आराम से। अभी मैं एक्चुअली चेक कर रही हूँ कि आलू डन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो इसमें अभी कसर है इट विल टेक सम टाइम। और अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रही हूँ, यस प्याज कट किए जा रहे हैं आंसुओं के साथ। एनी मिस वी ऑल हैव टू डू इट सम डे। अभी मैं इसका दही बड़ा का मसाला रेडी कर रही हूँ, उसका सैलड बना रही हूँ। आलू मेरे बॉयल हो रहे हैं और फुल्कियाँ भी रेडी होने वाली हैं, उसके बाद मैं बड़े फ्राई करके तो उसको भी मैं ही सारा मटेरियल रेडी करके रख दूँगी तो मेरे दो तीन दिन आराम से दही बड़े क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे इतना यूजेज नहीं है। और अभी आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, फुल्कियाँ भी तकरीबन डन है। अभी मैं पकौड़ों का सामान बना रही हूँ मटेरियल, तो उसको बना के तो मैं क्या कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में कवर करके so that it will set and ready to fry।
ये मैं हाथ मसाले डालते हुए क्योंकि चम्मच की कमी है, मैं डायरेक्ट साशे में से निकाल निकाल के डाल रही हूँ पैकेट्स में से। सो और जल्दी भी थी मुझे कुछ, और मैं थकावट भी बहुत है, रोज़ा भी लग रहा है, मैं चार ही साल कुछ टाइम करके तो रखती हूँ एक साथ। अभी पकौड़े तो सिपाश के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, इसका मटेरियल मैं रेडी करके फ्रिज में नहीं रखती थी, ये मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ। तो इट्स डन, ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ और अफ्तार से थोड़ी देर पहले मैं पकौड़े बना लूँगी। अब मैं रेडी कर रही हूँ दलियों का मटेरियल जो आलू बॉयल के हैं, उसको मैं कट करके उसके अंदर फुल्के ऐड करके और सैलेड का सब रेडी करके तो मैं रख दूँगी। इट्स डन दिस। और अभी मैं बड़े फ्राई करूँगी, साथ में मैंने ठंडा पानी लेके रखा है, लेट मी शो यू। ये बर्फ़ डाल के रखे जो कि गर्मी की वजह से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं ये। ओके जी, अब मैं अफ्तारी कर रही हूँ, मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया था, स्प्रिंग रोल्स मेरे रह गए हैं और पकौड़े मेरे बन गए थे, दही बड़े भी रेडी हो गए थे, तो मैंने जल्दी से अपने जूस रेडी किया, चटनी रेडी की, खरबूजा आई हैड इन फ्रिज तो मैंने वो कट किया, और क्योंकि काम करते करते आई वॉज़ लेट और मेरे पास टाइम नहीं बचा था स्प्रिंग रोल्स बनाने का, आई विल मेक इट सम अदर डे। उसका जो मटेरियल है वो मैंने डन करके फ्रिज में रख दिया, दही बड़े अच्छे बने हुए, गोश्त पकौड़े भी बहुत अच्छे बने हुए थे। और अब मैं सहरी कर रही हूँ, सो गई थी अफ्तारी करके थोड़ी देर के लिए फॉर 2 to 3 hours। नाउ आई हैड सालन, आलू अंडे का सालन पड़ा था, पराठा मैंने बनाया, दही आई टी क्लासमीन में सहरी, तो हाफ पराठा मैं सालन के साथ खाऊंगी, हाफ पराठा मैं दही के साथ खाऊंगी, उसके अंदर चीनी डाल के। तो आप देख रहे हैं पराठा कितना अच्छा सॉफ्ट क्रिस्पी बना हुआ है, मज़े का। जी हाँ, आई कैन मेक अ गुड पराठा एज़ वेल। ओके, मैं जल्दी जल्दी सहरी कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाय, एक्चुअली मैं सहरी में ना चाय का कप लाजमी लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा सर सारा दिन भारी रहता है, आदत है मुझे मॉर्निंग टी की। तो मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी इसे सहरी करूँ और ताकि मेरे पास आराम से चाय पीने का टाइम हो। सहरी करके तो नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी 2 to 3 hours के लिए, फिर आई विल गेट अप एट 8 o'clock टू गेट रेडी फ्रॉम माई ऑफिस। ओके, इट्स टाइम टू गेट अप एंड गो टू ऑफिस, आई डोंट फील लाइक टू बट आई हैव टू। बिला वजह ही फिर रही हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या पहनूँ, फाइनली आई हैव डिसाइडेड व्हाट टू वेयर। बस अब मैं जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलना है ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं लेट हो जाऊँगी। ओके, आई एम रेडी नाउ और आई एम 5 minutes लेट। नॉर्मल जिस टाइम पे मैं निकलती हूँ यहाँ से उसके लिए मैं 5 मिनट लेट हूँ, एंड द रीज़न इज दीज प्रिटी हैंड बैंड्स। आजकल ये मेरे फेवरेट हुए हुए हैं, तो मुझे अचानक ही ख्याल आया कि इनको पहन लेना चाहिए, सो मैं इनको पहनने में लग गई। और अब इसको रिकॉर्ड करने में, ये बात बताने में मुझे 2 मिनट और लग रहे हैं। अच्छा, और ये भी दिखा दूँ, आजकल मेरी ये फेवरेट हुई हुई है, ये छोटी सी ग्लिटरी सी पिंस, नॉर्मल सी हैं बट आजकल ये मेरी फेवरेट है। ओके, अब मैंने गलती हूँ, आई ट्राई टू रीच एज सून एज पॉसिबल, अब फिर हम ऑफिस में चल के देखते हैं कि ऑफिस में क्या करती हूँ। लेट्स गो। जाते हैं, अभी जाते जाते मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अपना क्यूट सा ये किचन भी दिखाऊँ, आई लाइक कलेक्टिंग क्यूट थिंग्स, सो मेरे रूम की केस। रात को बड़ी ज़बरदस्ती बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम था, थंडरस्टॉर्म भी बहुत था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और एंड इट रेन्ड रियली वेल, सहरी के टाइम तक भी बारिश हो रही थी। और नाउ आई एम एंजॉइंग नेचुरल ब्यूटी, मुझे नेचुरल ब्यूटी किसी भी फॉर्म में बहुत अट्रैक्ट करती है, स्पेशली आजकल इस्लामाबाद में ये पर्पल से फ्लावर्स वाले दरख्त हैं हर जगह पे। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये क्यारी के बाहर पौधा उगा हुआ है, एंड इट रियली इंस्पायर्स मी, मेक्स मी, इट गिव्स मी लेसन एक्चुअली, लाइक वट इज़ मीन टू बी विल ऑलवेज फाइंड अ वे, राइट। क्यारी के बाहर है, इट वॉज एंड अ प्लांट,
बट ये निकला है, इट ग्रोज एंड उसके ऊपर फूल भी निकले हुए हैं। आई रियली लाइक फ्लावर्स, ऑल्दो आई एम गेटिंग लेट बट स्टिल आई एम इंजॉइंग द व्यूज एंड फ्लावर्स ऑन माय वे। ओके, अगेन ये पर्पल फ्लावर वाला दरख्त आ गया है, ये आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कई जगहों पे है, पार्क में भी होता है जगह। ओके, वो पहाड़ों से मेरा इश्क इज़ फॉर एवर, पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, इट मेक्स मी स्माइल ऑलवेज। आपको पता ही है पहाड़ों से मेरा इश्क इज़ फॉर एवर। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है, कैमरा उस तरह से उस ब्यूटी को नहीं दिखा पड़ा, और ये एक डेट मानी जा रही है, लेट्स इग्नोर इट। सुबह सुबह रोजे हैं भाई, एनीवेज हु केयर्स। ओके, इस पे रेड फूल हैं, देन उस तरफ के ऊपर पर्पल फ्लावर्स हैं, और पाथवे के पास गिरे हुए हैं क्योंकि रात को थंडरस्टॉर्म था, तो इट गिव्स रियली प्रिटी व्यू राइट नाउ। आई विश आई कुड शो इट द वे इट एक्चुअली सीन्स। देखें, बहुत 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 खूबसूरत व्यू दे रहा है ये, थ्री कलर्स में एक गिरे हुए हैं फूल और लीव्स, और आई एम जस्ट लविंग इट। ऐसा लग रहा है किसी ने ना मेरे लिए वो पाथ सजा दिया है फूलों से, बट बस आई जस्ट लव नेचुरल ब्यूटी, आई एंजॉय इट, इट मेक्स मी फील गुड। देखें, जैसे किसी ने सजा दिया हो मेरे लिए रास्ता, मलका आ रही है फूलों से सजा दो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैं अक्सर, मैं आपको मेरी स्टोरीज़ जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं एक पिक्चर शो करती थी, समन स्टोल में हेयर स्टाइल, तो मैं कहाँ होती थी, मैं यहाँ बैठी होती थी। एक्चुअली इट्स अ रेस्टोरेंट बट आई वॉन्ट रिवील द नेम। सो मेरा यहाँ पे 3 दफ़ा डाइन इन का एक्सपीरियंस हुआ है, इट वॉज़न्ट प्रीटी गुड। एनीवेज अभी मैं अपने ऑफिस आ गई हूँ। हाय, here is my pink paddy and I'm looking for my brown guy, let me show you। वो भी आप लोगों ने मेरी स्टोरीज में देखा होगा, ब्राउन गाय जब मैं आया था। अभी मैं अपनी चीज़ें निकाल रही हूँ बैग में से, एक्चुअली मैं अपना ब्राउन गाय निकाल रही हूँ बैग में से, let me show you। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, yes I got it, got it, ये रहा। Hello, चलें जी अब काम शुरू करते हैं, अपना बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ अपने वर्क डेस्क का, मेरा वर्क स्टेशन कैसा दिखता है। और ये आज मेरी इफ्तारी, आज ऑफिस में ही है, हम लोग इफ्तारी साथ में कर रहे हैं। आई मिस माई फैमिली सो मच।